हेलो, नमस्कार दोस्तों। 25 नवंबर 2018 की डेली एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखो, तो पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, या फिर आपको पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक करें। कुछ ना कुछ तो आप अपना जो आंसर रिप्लाई है, कुछ ना कुछ तो आप अपना कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करें, ताकि मुझे पता चले कि ये तो कुछ चेंजेस करने हैं, अदरवाइज हम उस तरीके से अपडेट वगैरह करते हुए चलें। तो प्लीज आप लोग या तो वीडियो को लाइक करें या फिर डिसलाइक करें, या फिर आप कमेंट करके बताएं कि ये चीजें सुधारने की यहाँ पे जरूरत है। क्योंकि देखो, आंसर राइटिंग तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट अभी आपको तो प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के नजरिए से हमारी जो प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो काफी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी हम जो क्वेश्चन है उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस कर रहे हैं, तो आई होप आप सब लोगों को इसका बेनिफिट हो रहा होगा। और प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जो भी अपने रिव्यूज हैं, जो भी अपने आइडियाज हैं, वो यहाँ पे जरूर शेयर करें। तो देखो, क्वेश्चन है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, या तो आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर है वो अपना नोट डाउन कर सकते हो, फिर आप उसको साथ साथ मिला सकते हो। तो जो पहला क्वेश्चन है बेसिकली आज का, वो है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। पहला दिया गया है कैंपोस, फिर सामने ऑप्शन दिया गया है वेनेजुएला, सेकेंड दिया गया है प्रेरी, दूसरा इसके सामने ऑप्शन दिया गया है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है वेल्ड, ये दिया गया है ब्राजील में, चौथा दिया गया लनोस, ये दिया गया है उत्तरी अमेरिका। तो आपको अरेंज करना है कि कौन कैंपोस कहाँ पे है, कौन कौन सा कहाँ पे है, ये आपको अरेंज बेसिकली करना है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके के बेसिकली ग्रासलैंड है। तो देखो, ये हम बात करें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, तो हम सारे ही ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को यहाँ पे डिस्कस है वो करते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो देखो, पूर्वी अफ्रीका या अफ्रीका के अंदर जो घास के मैदान होते हैं उन्हें सवाना के नाम से जानते हैं, इसके साथ ही ब्राजील में इनको कैंपोस के नाम से जानते हैं, वेनेजोना में इनको लाओनोस या फिर ललनोस के नाम से जानते हैं। और हम बात करें फिर आगे साथ शीतोष्ण कटिबंधीय की बात यहाँ पे करें साथ साथ, मतलब कि टेम्परेट ग्रासलैंड है उनको भी हम यहाँ पे देखते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड है उनकी बात करें तो अर्जेंटीना में इनको पेम्पोस या पंपास के नाम से जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका में इनको प्रेरी या प्रेरी के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी अफ्रीका में इनको वेल्ड के नाम से जानते हैं, और मध्य एशिया में स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स के नाम से जानते हैं। अब देखो, हमें क्या ध्यान रखना है, अफ्रीका में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनको सवाना के नाम से जानते हैं, और अफ्रीका के अंदर जो उष्ण सॉरी जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण कटिबंधीय, उनको बेसिकली वेल्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें इस तरीके से हमें ध्यान में रखनी है। यूपीएससी इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में काफी बार क्वेश्चन हमें पूछ लेती है। देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आया है वो बेसिकली आया है यहाँ पे पेकोयोंग के बारे में, कि पक्योंग है वो रिसेंटली न्यूज में था, ये है कहाँ। देखो, बेसिकली एक सिटी है, ये आपको बताना कि है कहाँ पे और न्यूज में किस लिए थी। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है सिक्किम, चौथा है नेपाल। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि न्यूज में थी क्यों, इसके बारे में हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस भी किया था। बेसिकली सिक्किम के अंदर नॉर्थ ईस्ट का जो आपको बताया कि एयरपोर्ट बनाया गया था वो पेकोंग में बनाया गया था, तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखने की जो वहां की इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इसके बारे में यूपीएससी फैक्ट है वो हमें पूछ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है केसोरिना प्लांटेशन के बारे में, कि केसोरिना जो प्लांटेशन है वो क्या है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि रबड़ के उत्पादन के लिए एक प्रकार का वृक्षारोपण है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है एक प्रकार का वृक्षारोपण जिसका प्राथमिक उद्देश्य पशु चारा है, मतलब पशु को चारा खिलाने के तौर पर इसका यूज हो किया जाता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि पवन वेग और संबंधित क्षति को रोकने के लिए वृक्षारोपण, मतलब हवा की वजह से जो नुकसान होता है इसके लिए बेसिकली रोकने के लिए वृक्षारोपण। चौथा ऑप्शन दिया गया है कि केले की फसलों के लिए एक पौधे के तरीके पर इस्तेमाल किया गया। तो देखो, हम बात करें, ये डायरेक्टली फैक्चुअल चीज है और उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो केसोरिना जो प्लांटेशन है वो बेसिकली हवा के वेग को कम करने के लिए, ताकि उससे क्षति है वो कम हो सके। तो आपको पता है कि ये खेत है, मान लो हमारा, तो खेत की जो चारों तरफ की मेड है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बाड़ के नाम से जानते हैं, वहां पर जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं, ताकि तेज हवा से नुकसान है वो ना उसके, तो इसलिए उसको बेसिकली कहा जाता है केसोरिना प्लांटेशन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो मतलब आपको यहाँ पे सही स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई है वो करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि अफ्रीका का एक हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका दुनिया का सबसे चौथा बड़ा महाद्वीप है। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि अटलांटिक महासागर की समुद्र तट बहुत ही टूटा फूटा है, आपको कटा छटा है, इसका मतलब ये है कि टूटा मूटा का मतलब कटा छटा है। अब आपको बताना है कि ओनली ए सही है, ओनली सी सही है, या फिर एक और दो दोनों सही हैं, या फिर सारे के सारे सही हैं। तो देखो, ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से देख सकते हो। तो हम बात करें
आपको इसका आंसर बेसिकली कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि काफी सिंपल क्वेश्चन है। आई होप अगर एक बार आप गूगल पे सर्च करके देखोगे, ऐसे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, और उनकी सिक्वेंस क्या है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। देखो बात बताऊं आपको कि अटलांटिक महासागर की समुद्र काफी टूटा मूटा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब अगली बार थोड़ा आपको इमेजिन करके देखिए, थोड़ा आपको आपको ध्यान होगा कि साउथ अमेरिका का मैप कुछ इस तरीके से है, और नीचे उसमें काफी टूटे फूटे एरिया बहुत ज्यादा है। यहाँ पे साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट की बात करें तो उसमें नीचे छोटे छोटे आइलैंड, मतलब इसके जो आपको ही पता है क्या, यहाँ पे आपको तो यहाँ पे जो होता है कि अटलांटिक ओशन है, तो मतलब अटलांटिक ओशन की बाउंड्री में तो आ गया ना हिस्सा, काफी कटा फटा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है थर्ड। और फर्स्ट और सेकंड है, ये दोनों आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप एक बार चेक करके इनको देखिए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा प्लेटो को 2006 में बोना ग्रह या ड्रॉप प्लेनेट के नाम पे घोषित है वो किया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एस्ट्रोनॉमी, यानी नासा की बात यहाँ पे की गई है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तीसरा ऑप्शन दिया गया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। चौथा दिया गया है रोस कोस्मोस स्पेस कॉर्पोरेशन। देखो रोस कोस्मोस है ये बेसिकली रशिया की स्पेस एजेंसी है, नासा है वो यूएसए की है, इसके बाद यूरोपीय आपको बताया कि ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन की है, और आप ये बताइए कि चाइना की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। चाइना और जापान की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो बेडू सैटेलाइट सिस्टम है जीपीएस, ग्लोबल पोलिसिंग सिस्टम का जीपीएस के टाइप का ही बेडू, वो किसका है। तो ये देखो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो प्लीज आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करें। बेसिकली प्लूटो को जो डार्क प्लेनेट की संज्ञा दी गई थी वो दी गई थी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखने की किसके द्वारा ये काम है वो किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वह है दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार है वो करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि यह सरमिश्योर ओरिसिस के पश्चिमी भाग में स्थित है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि इस ओरिसिस में भारत का दूसरा सोर्स आधार मैत्रेयी है। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि इसरो दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर की निगरानी है वो कर रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अगर हमें सारे के सारे फैक्ट बताए तो ही इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट है वो कर सकते हैं। पहली बात तो है कि हमें ये पता होना चाहिए कि दक्षिण गंगोत्री है क्या। आपको पता है कि अंटार्कटिका पे जो हमारा इंडिया की तरफ से मिशन भेजे गए हैं, बेसिकली तीन मिशन है, उन्हीं में दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, और एक है नया है जो है भारती। तो आप ये बताइए कि भारती को कब लॉन्च किया गया था। भारती सबसे लेटेस्ट है बेसिकली, आपको चलो मैं बता देता हूँ। अब हम इसकी और डिटेल को बेसिकली डिस्कस यहाँ पे करते हैं। दक्षिण गंगोत्री है यह आपको ध्यान रखना है कहाँ, यह बेसिकली इंडिया का पहला था, आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, जो कि 1989 के अंदर अंटार्कटिका में लगाया गया था मिशन, ताकि वहां की स्टडी वगैरह की जा सके। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और जो ओएसिस पूर्व है अटलांटिक, जो अंटार्कटिका के है, वहां पे बेसिकली 2000 किलोमीटर से अधिक भौगोलिक दक्षिण ध्रुव पे बेसिकली इसकी लोकेशन है, तो लोकेशन भी हमें पता होना चाहिए। इसके साथ ही अहम बात क्या है कि दक्षिण जो गंगोत्री मिशन या दक्षिण गंगोत्री जो प्रोग्राम चलाया गया था बेसिकली इंडिया का, वो किसके द्वारा स्टडी, देखो इसरो के द्वारा काम नहीं किया जाता इसका, ये काम किया जाता है बेसिकली भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के द्वारा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि इसरो का काम नहीं है ये, बेसिकली भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के द्वारा 1982 में अंटार्कटिका अभियान की शुरुआत के बाद दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर की नाकाबंदी की गई, और उसको स्टडी या वहां के सारे प्रोग्राम है उनको कंटिन्यू रखा जा रहा है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भाई कौन सा क्या स्टेटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है भारत का दक्षिणी महासागर अभियान, मतलब भारत का एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है दक्षिणी महासागर अभियान। तो इसके बारे में आपको यहाँ बता रहा है कि दक्षिणी भारत अभियान है वो एक अंडर ब्रफ लैंडिंग को तैनात करने की योजना है वो बना रहा है। तो इसके बारे में आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो क्वेश्चन ये है कि भारत का दक्षिण महासागर अभियान एक अंडर बर्फ लैंडिंग को तैनात करने की कोशिश या योजना बना रहा है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि बर्फ में दबा स्थल एक रेखा है जो कि सतह पर तैरता है, मतलब दक्षिण महासागर अभियान है वो बर्फ की सतह के ऊपर तैर रहा है बेसिकली। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि इसकी उपयोगिता यह है कि अंटार्कटिका में भारतीय स्टेशन के तटीय जल में मौसमी विविधताएं और पारिस्थितिकी तंत्र पर हम असर को या वहां की स्टडी या क्लाइमेट चेंज की वो बेसिकली करेंगे। तो देखो भारतीय आपको पता है ऑब्वियसली अंटार्कटिका भी हमारा मिशन है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो देखो आप थोड़ा एक बार देख सकते हो बेसिकली कि साउथ महासागर की बात की जा रही है, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट कुछ हद तक सही है, और पहला फैक्चुअल है तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है वो हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही स्टेटमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है।
पहला ऑप्शन दिया गया है कि भारतीय भारत का नियुक्त अंटार्क्टिका अनुसंधान केंद्र है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि है देश की तीसरी शोध सुविधा और मैत्री के साथ दो सक्रिय स्टेशनों में से एक है। तीसरा स्टेटमेंट यह दिया गया है कि भारत की पहली प्रतिबद्ध अनुसंधान सुविधा दक्षिण गंगोत्री को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है और बर्फ के नुकसान के कारण इसका अब कोई फायदा नहीं है। अब देखो मैं आपको बताऊं, पहले और दूसरे स्टेटमेंट तो फैक्चुअल है ही है, तीसरे स्टेटमेंट पर आप एक बार सोच के देखिए क्या कह रहे हैं कि दक्षिण गंगोत्री को पूरी तरीके से छोड़ दिया गया, मतलब पूरी तरीके से छोड़ने की बात की जा रही है, मतलब कि वो भी पूरी तरीके से इनएक्टिव है, ऐसा नहीं है। आपको बता दूं कि दक्षिण गंगोत्री जो भारत का मिशन था उसको बेसिकली अभी एक तरीके से स्टोर या बोल सकते हो कि बेस कैंप की तरह यूज है वो किया जा रहा है। अभी है तो सही वो, बट वहां पे रिसर्च नहीं हो रही है, छोड़ा नहीं गया कंप्लीट तरीके से, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, वो हो जाता है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लूनी रिवर के बारे में। तो लूनी की स्टेटमेंट आपके सामने है, तो देखो लूनी रिवर के बारे में हम कम्प्लीट चीजें हैं वो देख लेते हैं ताकि लूनी रिवर के सारे जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर यहाँ पे हो जाएं। देखो लूनी रिवर है वो बेसिकली राजस्थान की एक इम्पोर्टेंट रिवर है जो कि साउथ राजस्थान के एरिया में बेसिकली बहती है। अब आपको बता दूं कि है अजमेर के जो पास में अरावली रेंज है वहां से बेसिकली इसका ओरिजिन होता है, उसके स्टार्टिंग में इसको सागरमती रिवर के नाम से जाना जाता है, फिर यह धीरे धीरे बेसिकली गुजरात की तरफ है वो मूव है वो करती है, और कुछ रेगिस्तानी एरिया में बहती है। इसके बाद यह गुजरात का जो करण ऑफ कच्छ वाला एरिया है वहां पे बेसिकली कचरे के तौर पे फैल जाती है, मतलब वहां पे पानी है उसका फैल जाता है और पानी काफी कम हो जाता है और वहीं लुफ्त है वो हो जाती है। एक चीज ये है कि लूनी रिवर है वो मौसमी रिवर है। यूपीएससी पूछ सकती है कि यह किस साइड बहती है, देखो तो यह हमें ध्यान रखना है कि लूनी रिवर है वो किसी भी महासागर में नहीं गिरती, यह बेसिकली अपने आप अंदर ही बेसिकली खत्म हो जाती है इसका पानी, तो यह इफेक्ट हमें ध्यान में रखना है। अरावली की रेंज से बेसिकली इसका पानी निकलता है और इसके साथ इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जोवाई, सुकरी और जोजरी हैं वो इसकी उप नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां कहें बेसिकली। और लूनी है वो बेसिकली इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि लून एक संस्कृत शब्द है जिससे बेसिकली हम सॉल्ट या नमक के नाम जानते हैं, तो उसी के आधार पर इसका नाम है वो रखा गया है। इसका कितना एरिया है वो भी ध्यान रखना है कि लगभग 330 मील यानी कि 530 किलोमीटर का इसका एरिया है टोटल, इतने एरिया में बहती है और एकमात्र प्रमुख नदी है जिससे सिंचाई की रास्ता में पीने की सुविधा है वो बेसिकली लोगों को मिलती है। तो ये कुछ फैक्ट है जो हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ इसके दाएं साइड एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है जोजरी और इसके ऊपर दो डैम भी बनाए गए हैं, एक तो है दंतेवाड़ा डैम और एक है सिपा डैम। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि दंतेवाड़ा डैम और सिपा डैम है कहाँ पे, तो इनकी लोकेशन भी थोड़ी हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में कौन सी कपास की खेती को लेकर स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला दिया गया है उच्च तापमान, दूसरा उच्च वर्षा, तीसरा तुषार रही 210 दिन और चौथा काली और जलोढ़ मिट्टी। तो देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये भी, तो इसके बारे में भी आपको बेसिकली या तो पता होना चाहिए, पर एक बार हम देख लेते हैं कपास की खेती के बारे में। देखो एक चीज आपको थोड़ा कॉमन सेंस से एक बार सोच के देखिए कि जो कपास में क्या होता है, फूल आता है और उसके अंदर कॉटन है वो होती है, तो मतलब अगर ज्यादा बारिश होगी तो कपास का जो फूल है वो खराब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है कि इसमें सेकेंड स्टेटमेंट है ना, या सेकेंड ऑप्शन है उच्च वर्षा वाला, ये तो डेफिनेटली गलत होने ही होने वाला है। इसके साथ काली और जलोढ़ मिट्टी की हाँ जरूरत होती है क्योंकि महाराष्ट्र में होती है काली और जलोढ़ मिट्टी, तो वहाँ कपास काफी ज्यादा अच्छी होती है, गुजरात में है वहां पे भी होती है, इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में होती है, तो मतलब डी स्टेटमेंट तो सही है। बाकी पहला स्टेटमेंट है, देखो धूप तो होनी होनी चाहिए तभी तो वो अच्छे से पकेगी, तो इसका मतलब पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि तीसरा स्टेटमेंट है या नहीं, तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब इसमें पहला तीसरा चौथा सही है, उच्च वर्षा की जरूरत कपास में बेसिकली नहीं होती है। तो इस तरीके से हमें फैक्चुअल चीजें हैं वो ध्यान में रखनी। काली और जलोढ़ मिट्टी में बेसिल कपास है वो पैदा की जाती है, चमकदार साफ धूप होनी चाहिए, हल्की बारिश चाहिए इसके लिए और तापमान है वो अच्छा खासा ठीक ठाक तापमान होना चाहिए। इसके साथ ही हम बात करें कपास की, तो चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र है वो कपास के प्रमुख आप बोल सकते हो कि प्रोड्यूसर हैं, और सूती कपड़े के अंदर बेसिकली रॉ मटेरियल के तौर पर कपास का यूज है वो किया जाता है। तो ये थी बेसिकली आज की हमारी क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज। तो आपको कैसे लगी, तो आप इसके बारे में प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस हैं वो जरूर बताएं ताकि इसमें और ज्यादा अपडेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस है वो करें। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।